आपके हाथ कहीं जल गए तो आपके हाथ में जो धनवान बनने की लकीर है वो भी जल जाएगी। जी हाँ। आते क्या? हम आपके भेजे में बस एक बात भेजना चाहते हैं और वो ये है कि हम भी आप ही की तरह धनवान बनने का शौक रखते हैं और इसी का सौदा करने आए। कैसा सौदा? राजा बाबू की मौत का सौदा। देखिए साहब, आपने उन पर कई हमले किए, हम उन्हें बचाते रहे, और माफ कीजिएगा, आप तो उनके चारों तरफ भिनभिनाती हुई एक मक्खी भी ना मार सके। जनाब, बात हमारे हाथ में होती तो एक आध गोली तो हमारी रहते ना। हाँ, इसलिए भलाई इसी में है कि हम और आप मिल जाए, पार्टनरशिप 50-50। अर्जुन सिंह, अगर मैं तुम्हारा सौदा मंजूर कर भी लूं, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अब आए ना अवकाश पर। हाँ तो साहब, अब हमारा प्लान भी सुन लीजिए। हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहां आए। हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई। बोलो क्यों? इसलिए जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक ना करें, और राजा बाबू की मौत के बाद की करोड़ों रुपए की जायदाद 50-50। हमारा प्लान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हम यहाँ आए। हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबू की जान बचाई। बोलो क्यों? जब हम राजा बाबू की हत्या करें तो कोई हम पे शक ना करें, और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद 50-50। तुम तो अजीब दो गले किस्म के आदमी निकले, जैसे बेपैंदे का लोटा। हमसे मिले तो हमसे सौदा कर लिया, इनसे मिले इन्हें सौदा बेच दिया। तो क्या ये सच है? मालिक, जब सच्चाई सामने है तो हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? कमीने, गद्दार! देखिए मालिक, मुंह से बात कीजिए, हाथ से नहीं। मालिक, हम कह देते हैं बात, मालिक मालिक कर लिया, अब हाथ रोक ले। मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो गया। अब की बार हाथ उठाए ना तो सीधा ऊपर वाले मालिक के पास पहुंचा दूंगा। अरे तुम क्या ऊपर पहुंचाओगे? ये क्या कर रहे हैं आप? एक दो टके के नौकर का खून बहाकर आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? छोड़िए। अरे ये क्या फांसी पे चढ़ेगा और क्या किसी का खून बहाएगा? इसके लिए तो पत्थर के सीने में फौलाद का दिल चाहिए। अर्जुन सिंह, चले जाओ वरना। वरना क्या करेगा? अगर किसी शरीफ कोख से जन्म लिया है तूने, अगर किसी इज्जतदार बाप के खून का एक कतरा भी तेरे शरीर में है तो आजा पार होटल के। अर्जुन सिंह, राजा बाबू, अब तक तूने मेरी नमक हलाली देखी है, अब मेरी नमक हरामी देखना। तेरी हस्ती को मिट्टी में न मिलाकर रख देना तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह। किसकी हस्ती मिटाने जा रहा था तू? हाँ, मेरे बेटे की, मेरे राजा की? तू समझता क्या है अपने आप को? सारी जिंदगी तो गुजर चुकी है बाबा, हम और कितने इम्तिहान लेगा? हमसे जितना हो सका हम अपना फर्ज निभाते रहे, लेकिन इंसानों के लिए तेरा भी तो कोई फर्ज है भगवान। अब और कौन सा वचन लेने आए पिताजी? मैं वचन लेने नहीं आया बेटी, मैं तुमसे क्षमा की भीख मांगने आया हूँ। ये गुनहगार बूढ़ा अपनी बहू के बीते हुए दिन तो नहीं लौटा सकता, लेकिन क्षमा मांगकर अपने गुनाहों का बोझ तो हल्का कर सकता है। नहीं पिताजी, तकदीर की किताब में जो लिखा होता है इंसान मजबूरन वही करता है, अगर ना लिखा होता
तो ना आप मुझसे वचन लेते, ना मैं वचन निभाती, और आज तक अपने बेटे से जुदा नहीं रहती। तो तोड़ दे जुदाई की दीवार को और लगा ले अपने बेटे को सीने से। बस माँ, यही तो तमन्ना थी कि मुझे भी मारने वाली कोई माँ हो जो डांट कर मुझे चांटा मारे और रोकर सीने से लगा ले। ऐसे मत बोल बेटे, ऐसे मत बोल। बोल लेने दे माँ, बोल लेने दे। जब से पैदा हुआ मैंने अपनी माँ से कुछ बोला ही नहीं। कितने बदनसीब है वो लोग माँ जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता, लेकिन कितना खुशनसीब हूं मैं जिसे माँ मिली, माँ की मार मिली, माँ का प्यार मिला। नहीं बेटे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। तूने तो सिर्फ हाथ उठाया माँ, तेरे लिए, तेरे वचन के लिए तो मैं इस दुनिया के लिए भी तैयार हूं। अर्जुन क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यस सर, सावित्री अर्जुन सिंह माँ बेटे हैं। माँ बेटे? जी। लेकिन सावित्री माँ ने तो सबके सामने, हाँ सर, ये सबके सामने थप्पड़ मारना, चिल्लाना और उसे जलील करना, ये सब एक ड्रामा था, नाटक था। लोग तो दौलत के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, उसने तो सिर्फ उसे थप्पड़ ही मारे, क्योंकि उसकी नजर आपकी दौलत पर है। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो आपकी जान पर बार बार हमले हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है, और वो है सावित्री का, जिसे दुनिया वाले देवी समझते हैं। आपको मेरा यकीन नहीं आता ना? ठीक है। भैरों, सर, यह है भैरों पी, अर्जुन सिंह के गांव का रहने वाला है और उसके बचपन के दिनों का दोस्त। भैरों जी, साहब को बताओ, सावित्री देवी और अर्जुन सिंह का क्या रिश्ता है? जी, वो बोलो। वो दोनों माँ बेटे हैं। देखा सर, ठीक है, तुम जा सकते हो। इस वक्त अर्जुन सिंह कहाँ होगा? सर आप फिक्र मत कीजिए, वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। छोड़ दीजिए। बताओ अर्जुन सिंह कहाँ है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। और हम बिना मौका दिए ही आपको बताए देते हैं कि हम यहाँ थैंक यू। हाँ तो जालिम सिंह जी, बात दरअसल यह है कि आप निशाना हमेशा गलत लगाते हैं। मालिक पे लगाया तो गलत, नौकर पे लगाया तो गलत, क्योंकि बेसिकली आप आदमी ही गलत हैं। ये देखा, आप जैसे बेईमानों की छत्र छाया में रहकर एक आध बेईमानी का पैतरा हमने भी सीख लिया है। खैर, पहले तो मैं आपसे इन कपड़ों की सिलवाई लूंगा, उसके बाद खुलवाई लूंगा और फिर आपकी धुलाई करूंगा, क्योंकि अभी अभी जो आपने तीन चार गोलियां इधर उधर चलाई, कहीं एक आध गोली यहां चला देते जैसे कि अब हम चलाने वाले हैं तो बहुत फायदे में रहते। यानी कि क्षमा जाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ तो साले, अब ये बताओ कि इस सारे चक्कर का हैंडल कौन घुमा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा चक्कर जो है वो तुम्हारे जैसा चक्कर हम तो चला नहीं सकता। ये तो किसी बहुत बड़े 420 चालबाज चरित्र वाले चक्रम का चक्कर मालूम पड़ता है। बोलो बेटा कौन? बस मेरे बाप। हाँ, यानी अल्टीमेटली इन्होंने बता दिया। अच्छा तो तुम्हारे बाप भी हैं? कितने बाप हैं? मैम मेरा मतलब है कहा तुम्हारा बाप? हाँ मेरे साथ
बताता हूँ। हाँ चलो।